व्हाट इज़ अप गाइस, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, ड्यू टू लॉकडाउन रियलमी काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला था, लेकिन अभी सिचुएशन की वजह से लॉन्च नहीं कर पाया। और अभी जो है रियलमी की तरफ से एक और लीक्स निकल के आ रहा है रियलमी X60 को लेके, जो कि बेसिकली रियलमी X50 का सक्सेसर होने वाला है और ये थर्ड क्वार्टर तक इंडिया के अंदर लॉन्च होगा ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको फ्लैगशिप फीचर के साथ बहुत ही बढ़िया कैमरा देखने को मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी Realme X60 के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इस फोन में आपको क्या कुछ फीचर और स्पेक्स दिखने को मिलेगा, कब तक लॉन्च होगा और प्राइस क्या होगा, सारी डिटेल इस वाली वीडियो के अंदर। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो Realme X60 में आपको मिल सकता है 6.6 से लेके 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जहां पे आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे HDR10 प्लस का सपोर्ट एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस Realme X60 के साथ हमें देखने को मिल जाता है। बाकी जो डिज़ाइन होगा एंड बिल्ड क्वालिटी होगा एक्जैक्टली सेम सिमिलर होगा Realme X50 जैसा ही आपको Gorilla Glass 6 के साथ फ्रंट एंड बैक साइड, क्वाड रियर कैमरा पीछे एंड दोस्तों फ्रंट में आपको मिलता है डुअल पंच होल फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो डिज़ाइन के मामले में नो डाउट काफ़ी प्रीमियम होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इस बार Realme X60 दिखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा होगा डिस्प्ले के मामले में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो इस बार भी हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 865 चिप के साथ। दोस्तों, ये काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और लेटेस्ट भी, और साथ ही साथ यहाँ पे 5G मिलता है इस चिपसेट के साथ। तो डेफिनेटली आपको 5G कनेक्टिविटी भी दिखने को मिल जाएगा Realme X60 में, और मिलना भी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे Realme X60 में आपको मिलता है 8/128 GB का बेस वेरिएंट, साथ ही साथ यहाँ पे UFS 3.0 के साथ आपको स्टोरेज टाइप एंड दोस्तों हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा Realme X60 में। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। तो दोस्तों, कैमरा इस बार काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा और कैमरा ही इस फोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर होने वाला है। प्रोसेसर भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा, लेकिन दोस्तों प्रोसेसर पहले भी हम देख चुके हैं Realme X50 में, लेकिन जो कैमरा मिलेगा ना, इसका मेन की फीचर होने वाला है। दोस्तों, रूमर्स एंड लीक्स के अकॉर्डिंग Realme X60 में हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ मेन RGB सेंसर मिलेगा, जो कि सैमसंग सेंसर के साथ आने वाला है। साथ में आपको बाकी जो तीन और सेंसर मिलेगा ना, ये होगा एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो लेंस एंड डेप्थ सेंसिंग कैमरा। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है, 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि पंच होल डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, बात करें अगर बैटरी के बारे में, तो Realme X60 में हमें देखने को मिल सकता है 4500 mAh का बैटरी, जहाँ पे आपको 65W सुपर डार्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी एंड बॉक्स के अंदर ही आपको फास्ट चार्जर दिखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ फीचर एंड स्पेक्स के साथ लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। एडिशनल फीचर जैसे कि आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही साथ फेस आईडी की सिक्योरिटी, LPDDR5X रैम एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी। दोस्तों, Realme X60 एक प्रीमियम फ्लैगशिप ग्रेड फीचर के साथ लॉन्च होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है। थर्ड क्वार्टर तक इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, ज्यादा से ज्यादा वेट करना पड़े जून या तो फिर जुलाई तक। प्राइस होगा 35 से लेकर 40,000 के अंदर में लॉन्च होगा 8/128 GB के साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बोलना। Realme काफ़ी सारे स्मार्टफोन अपना लॉन्च करने वाला था, लेकिन सिचुएशन की वजह से लॉन्च नहीं कर पाया। सिचुएशन जब तक नहीं ठीक होता है तब तक के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना अपना थॉट, अपना ओपिनियन इस फोन के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।